नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर एनसीपी चीफ शरद पवार की प्रतिक्रिया, बोले भविष्य में जनता उन्हें। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से किनारा कर एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लिया है। इसी बीच इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी कहना है कि पटना में जो भी कुछ हुआ है, इतने कम समय में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई है। मुझे याद है कि नीतीश कुमार ने ही फोन किया था। शरद पवार ने कहा कि पटना के सभी गैर बीजेपी दल, उनकी भूमिका भी ऐसी ही थी, लेकिन पिछले 10 से 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस विचारधारा को छोड़ दिया और आज बीजेपी में शामिल हो गए और सरकार बना दी। पिछले 10 दिनों में ये ऐसा नहीं लग रहा था कि वह ऐसा कोई कदम उठाएंगे। इसके विपरीत वह बीजेपी के खिलाफ भूमिका निभा रहे थे। अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन भविष्य में जनता उन्हें उनकी भूमिका के लिए सबक जरूर सिखाएगी। सहयोगी की राय अलग है तो इसमें समस्या क्यों होनी। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले का कहना है कि यह हमारे लिए स्पष्ट रूप से निराशाजनक है, क्योंकि वह भारत के एक बड़े नेता हैं, लेकिन यह लोकतंत्र है और हर किसी को महसूस करने का अधिकार है। शेष भारत परिवार अक्षुण रहेगा। हम सिर्फ एक संगठन के रूप में नहीं बल्कि भारत के परिवार के रूप में काम करेंगे। अगर एक सहयोगी की राय अलग है तो इसमें समस्या क्यों होनी चाहिए। नवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। बिहार में तमाम सियासी अटकलों पर विराम लगाते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 मंत्रियों के साथ शपथ ली। हालांकि अभी उनके विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है, आज उनके विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।